दोस्तों, मैं हूं विनय और अपने विनय मोटर्स लवर चैनल पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जेसीबी के अंदर जितने फीचर कंपनी प्रोवाइड करती है उसके बारे में ऑल टोटल जानकारी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले करते हैं स्टेयरिंग की बात। तो ये फुल्ली पावर स्टेयरिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें स्टेयरिंग नॉब भी लगा रहता है जो कि आपको चक्कर स्टेयरिंग घुमाने में सहायता प्रदान करता है। और दोस्तों, स्टेयरिंग काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये वाला लीवर दोस्तों आपका रिवर्स फॉरवर्ड के लिए है, ये रिवर्स के लिए है, ये बीच में न्यूट्रल है और ये हो गया फॉरवर्ड। और दोस्तों, यहीं पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है हॉर्न। तो दोस्तों, और ये आपका हो गया स्पीडोमीटर। इसमें गाड़ी का स्पीड शो करता है कितने स्पीड में गाड़ी चल रही। दोस्तों, आपके न्यू मॉडल में स्पीडोमीटर यहाँ पर शो करने लग गया है। ये दोस्तों मॉडल ही 2019 की मॉडल है। और दोस्तों, इधर के लीवर में आपका ये हाई बीम और लो बीम और प्लस वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं। और ये इसी में आपका ये पास लाइट हो गया और इंडिकेटर का हो गया इसी में। और ये आपका हेजर्ड लैम्प का बटन हो गया ये वाला, ये इसकी वार्निंग यहाँ शो करने लग जाती है। और ये आपका हो गया सामने की मेन हेडलाइट जो दो हैं, ये बड़ी बड़ी सी, ये हेडलाइट का बटन ये हो गया। दोस्तों, यहाँ पे ये जेसीबी का ब्रेक है। ये सिंगल ब्रेक अगर यूज करना है तो इसको, अगर इकट्ठा करना है तो ये इसे इसके करके ये लॉक कर देते हैं तो दोनों ब्रेक एक साथ दबाते हैं। दोस्तों, इसे खोल देते हैं। और ये आपका हो गया जेसीबी का एक्सीलेटर। और ये दोस्तों गियर लीवर है जिसमें स्पीड की सीरीज लगी हुई है 1 2 3 4। और ये आपके लोडर का लीवर है, जो सामने ये जो बड़ा सा लोडर रहता है उसका लीवर है ये। और दोस्तों, ये है आपका हैंड ब्रेक। इसको ऊपर करने में मशीन का ब्रेक वर्किंग टाइम पे आ जाता है, नीचे करने में ब्रेक हट जाता है। दोस्तों, ये जुगाड़ से बनाया गया है मोबाइल चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट सॉकेट से। ये दोस्तों, यहाँ से चार्जर ख़राब हो गया था उससे बनाई। ये मशीन का डैशबोर्ड है जहाँ पे आरपीएम और मशीन की रीडिंग शो करती है। ये दोस्तों आगे की दो बल्ब हैं जो ऊपर लग रहे थे सामने तरफ ये, और ये पीछे के दो बल्ब के हैं, पीछे के चार बल्ब इसी में दो फंक्शन। और ये दोस्तों केपीसी का बटन है जिसको चालू करने में बकेट लेफ्ट एंड राइट स्लाइड करा सकते हैं। ये आपका एक्सीलेटर का लीवर है। और दोस्तों, गर्मी ना लगे जिसके लिए पंखा मशीन लगा के देती है। इसमें मशीन जो कंपनी का पंखा लगा हुआ था वो ख़राब हो चुका था, ये अपने दूसरा पंखा लगा दिया। और दोस्तों, अगर म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो ये आपका JBC कंपनी का ये म्यूजिक सिस्टम लगा के देती है कंपनी, जिसमें JCB कंपनी के स्पीकर हैं। दोस्तों, इसका साउंड आपको चेक करा सकता हूँ। ये दोस्तों अभी चालू है, ये आवाज़ तेज की, साउंड काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों, यहाँ पे एक लाइट केबिन लाइट देती है जिसका स्विच यहीं पे है। ये दोस्तों चारों तरफ से खुल जाता है, यहाँ से ये गेट खुल जाती है और ये दरवाज़ा यहाँ से खुल जाता है मशीन में। और पीछे का इसका दरवाज़ा टूट गया था दोस्तों पत्थर में काम करने के समय। ये आपका एक्सकेवेटर ऑपरेट करने के लिए दो लीवर हैं, चार फंक्शन इसमें हैं, चार फंक्शन ये वाले में। और दोस्तों, बस ये कंफर्टेबल सीट है जिसमें कवर नहीं लगा हुआ है। दोस्तों, सीट आगे पीछे करने के लिए ये है। और एक चीज़, यहाँ दोस्तों यहाँ पे टूल्स रखने के लिए एक छोटा सा डिक्की यहाँ पे दिया गया है स्पेस। देखिए, यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस मिल जाता है और उसके ऊपर अपन बैठ भी सकते हैं। और एक स्पेस आपके लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में ये दिया है, तीन स्पेस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे दोस्तों आपका फ्यूज बॉक्स रहता है, यहाँ पे मशीन के जितनी भी फंक्शन का है उसका फ्यूज बॉक्स, फ्यूज यहाँ पे उपस्थित है। और दोस्तों बाकी आप देख सकते हैं ये फास्ट टैग का स्टिकर लगा हुआ है। दोस्तों हो गया केबिन में सब, यही कुछ फीचर जो दिखा दिया हूँ वही सब मिलते हैं। दोस्तों एक मेरी गुजारिश जेसीबी कंपनी से है, जो अंदर का ये कलर ब्लैक कलर का जितने भी पेंटिंग है यहाँ पे, अंदर का पेंटिंग मेरे हिसाब से ब्लैक कलर ना हो कि कोई दूसरा कलर हो, क्योंकि ब्लैक कलर होने से जो टेम्परेचर होता है बाहर का वो एब्जॉर्ब करके अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब जिससे ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। जैसे आप दोस्तों बचपन पे पढ़े होंगे सोलर कुकर वाला, जो अंदर का पेंट ब्लैक कलर होता है, तो वही सेम ही सोलर कुकर वाला कहानी हो जाता है यहाँ पे, कि अंदर का पेंट ब्लैक कलर रहता है जिसके वजह से हीट एब्जॉर्ब होने लग जाती है और हीट बाहर रिलीज नहीं हो पाती, जिसके कारण से अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो दोस्तों वही जेसीबी से यही गुजारिश करता हूँ कि अंदर का जो पेंटिंग है ब्लैक कलर ना हो कि कोई दूसरा कलर कर दे, लाइट कलर, जिससे प्रकाश परावर्तित हो जाए। और दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल विनय मोटर्स लवर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो। और हाँ दोस्तों, ये जो ब्लैक कलर वाला जो मेरा राय था, इसमें आपकी क्या राय होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे को पता चले कि मेरा राय जो मैं जेसीबी कंपनी को बता रहा हूँ वो सही है या गलत है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।